जहरीस और एलिसन को ड्रैगनस्टोन में भाग के अभी एक साल हो गया था और किंग्स लैंडिंग में सभी स्मॉल फोक अपने यंग राजा को बहुत मिस करने लगते हैं। अचानक जहरीस और एलिसन के इतना टाइम गायब होने के वजह से सब स्मॉल फोक दुखी हो जाते हैं। अभी सबको सवाल पड़ा था कि अपना यंग राजा गया कहाँ पे है। क्वीन रीजेंट एलिसा और रॉजर स्मॉल फोक में अनाउंस करते हैं कि जहरीस ड्रैगनस्टोन में पॉलिटिक्स, फाइनेंस और फेथ ऑफ द सेवन की पढ़ाई कर रहा है और एलिसन स्टॉर्म सेंट पे पढ़ाई करने के लिए गई है। अब सभी लोग इस अनाउंसमेंट से दुखी तो होते हैं बट मोस्टली सभी बिलीव करते हैं क्योंकि रीजेंट क्वीन एलिसा एक अच्छी रानी बन रही थी। बट कुछ लोगों को लगता है कि एलिसा और रॉजर ने मिलके जहरीस और एलिसन को मार डाला है और उन दोनों ने आयरन थ्रोन को हड़प कर दिया है। ऐसे कुछ अजीब से ख्वाब कुछ लोगों के मन में आते हैं। सो एक छोटा मॉब रेड कीप के सामने प्रोटेस्ट करके नारे लगाने लगता है बट स्टॉर्म्स एंड के बराथियन मेन एट आर्म्स मॉब को भगाते हैं। अब इस छोटे प्रोटेस्ट का रीजन सिर्फ लापता हुआ जहरीस नहीं था, इसका और एक रीजन लॉर्ड एडवेल सेल्टिगार भी थे जिन्होंने किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक पर कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया था और उन्होंने किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह की यानी कि पोर्ट की फीस 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी थी। जहरीस और एलिसन हर दिन मेस्टर कुली पर और सेप्टन ऑस्विक से नई नई चीजें सीख रहे थे और वो हमेशा डिस्कस करते थे कि उनके शादी के बारे में वेस्टेरोसी जनता को कैसे बताएंगे। वो दोनों भी इसी डिसीजन पे आते हैं कि वेस्टेरोस की जनता अभी भी उनको अपनाने के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए वो दोनों चुप रहते हैं। बट फिर भी सभी लॉर्ड्स को एक एक करके थोड़ा बहुत पता चलने लगता है कि जहरीस अभी ड्रैगनस्टोन पर है, इसीलिए कई सारे हाउसेस के लॉर्ड जैसे कि लॉर्ड मैसी, बार एमोन, डार्कलिन, स्टाउंटन, रोलिंगफोर्ड, मूटॉन, ऐसे सब एक एक करके जहरीस से मिलने के लिए ड्रैगनस्टोन पे आते हैं और वो जहरीस के साथ में मीटिंग्स करने लगते हैं। इन मीटिंग्स के बारे में जब लॉर्ड रॉजर बराथियन को पता चलता है तब वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो मास्टर ऑफ शिप्स को कहते हैं कि पूरे ड्रैगनस्टोन को वलेरियन के जहाजों से घेर लो और किसी भी लॉर्ड को जहरीस से मिलने मत दो। तो इसके जवाब में डेमोन वेलेरियन सीधा बोलते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऑब्वियसली ये बात लॉर्ड रॉजर को बहुत इंसल्टिंग लगती है बट वो क्या ही करेंगे। सो जहरीस को ये जो भी लॉर्ड्स मिलने आ रहे थे वो एक्चुअली कुछ इंटरव्यूज के लिए आ रहे थे। कुछ ही महीनों के बाद में जहरीस राजा बनने वाला था और वो एक्चुअली स्मॉल काउंसिल में कुछ चेंजेस करना चाहता था, इसलिए जहरीस कुछ लॉर्ड्स को इनवाइट करके एक तरह से वो ड्रैगनस्टोन पे इंटरव्यूज ले रहा था जिसमें जहरीस को सेप्टन ऑस्विक और मेस्टर कुली पर बहुत मदद कर रहे थे। इसी में हम वाइज वुमन के ग्रुप को कैसे भूल सकते हैं। रीजेंट क्वीन एलिसा ने वाइज वुमन का ग्रुप ड्रैगनस्टोन पे भेजा था ताकि वो एलिसन को शादी तोड़ने के लिए इन्फ्लुएंस कर पाए बट प्यारी एलिसन इतनी टैलेंटेड और अच्छे दिल की होती है कि सभी सेप्टाज एलिसन के दोस्त बन जाते हैं। एलिसन और जहरीस दोनों भी वाइज वुमन और ड्रैगनस्टोन पे मौजूद सभी छोटे मोटे लॉर्ड्स को उनके उनके प्लान्स बताते थे। वो दोनों बताते कि वो राजा रानी बनने के बाद में कैसे वो वेस्टेरोस को डेवलप करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर सभी इमोशनल हो जाते और वो सोचते थे क्या सही में अपना वेस्टेरोस इतना अच्छा बन सकता है। इवेंचुअली सेप्टा इजाबेल किंग्स लैंडिंग में वाइज वुमेन का रिपोर्ट देने जाती है। वहां पे वो रीजेंट क्वीन एलिसा को कहती है, योर ग्रेस हमें माफ कर दो, हमने बहुत कोशिश की बट जहरीस और एलिसन के रिश्ते को तोड़ने वाला इंसान आज तक धरती पे पैदा नहीं हुआ है। क्वीन रीजेंट एलिसा ये सुनके शॉक्ड हो जाती है और वो हार मानते हुए कहती है, थैंक यू इजाबेल, तुमने हमारी बहुत मदद की है बट अब सब खत्म हो गया है, द मदर अबाव हमारी रक्षा करे, ऐसे वो सैड आवाज में बोलती है। अगले ही दिन स्मॉल काउंसिल मीटिंग में एलिसा सबको बताती है, अब हमें जहरीस और एलिसन के शादी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इट इज डन एंड कैनॉट बी अनडन, सेवन गॉड सेव अस, मेरे बच्चों के शादी के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स अभी फ्यूचर में आएंगे उसे हमें सबको मिल के फेस करना पड़ेगा और उसके लिए सातों भगवान हमें शक्ति दे दे, ऐसे कह के वो बैठ जाती है। बट यहाँ पर लॉर्ड रॉजर बराथियन अचानक से बौखला जाते हैं। पिछले ऑलमोस्ट एक साल से लॉर्ड रॉजर बराथियन का सब जगह पे ह्यूमिलिएशन हो रहा था। पहले ड्रैगनस्टोन पर जहरीस के किंग्स गार्ड उनके मुंह पे हंसे थे और उनको वहां से भगा दिया था। फिर उनका वो कोरियन वाला गंदा प्लान भी बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया। उसी में अब स्मॉल काउंसिल
काउंसिल के मेंबर्स जैसे कि डेमन वोलेरियन ऐसे कुछ मेंबर्स उनकी बात उनके मुंह पे माना करते हैं और बिंदास कुछ भी उनको बोलते हैं। इन सभी रीजंस के वजह से लॉर्ड रॉजर बराथियन के मन में एक ज्वालामुखी दबा था जो इस काउंसिल मीटिंग में पूरी तरीके से फट जाता है, क्योंकि क्वीन रीजेंट एलिसा ने जहेरिस और एलिसन को अपनाने की बात की थी। यहाँ पे लॉर्ड रॉजर एलिसा पे सीधा चिल्लाते हैं, एलिसा तुम वीक हो, जैसे तुम्हारा पहला हस्बैंड एनिस वीक था वैसे ही तुम भी एकदम वीक और कायर हो। तुम हमेशा ही एक माँ के तरह सोचती हो, ना कि क्वीन रीजेंट के तरह। तुम्हारा मूर्ख बेटा जहेरिस सेल्फिश है और वो अपने बाप से भी गंदा राजा बनेगा। अभी भी देर नहीं हुई है, जहेरिस को ऑफिशियली राजा बनने के पहले अभी भी कुछ 4 महीने का समय बाकी है। सो वी मस्ट एक्ट नाउ एंड पुट दैट बॉय असाइड। लॉर्ड रॉजर के ऐसे भयानक तांडव के वजह से सभी स्मॉल काउंसिल में शॉक्ड हो जाते हैं और एलिसा तो बेचारी रोने लगती है। इसके बाद में लॉर्ड रॉजर आगे कहते हैं कि हम प्रिंसेस एरिया को नई क्वीन बनाएंगे। आई सी फायर इन हर दैट जहेरिस डजंट हैव। वो अभी छोटी प्रिंसेस है बट उसे हम गाइड करेंगे तो वो एक अच्छी रानी बन सकती है। उसके मां राइना के पास ड्रैगन है सो कोई भी एरिया के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लॉर्ड रॉजर की ये बेतू की बातें सुन के स्मॉल काउंसिल में अभी भी सन्नाटा रहता है। क्वीन रीजेंट एलिसा तो वैसे थोड़ी रोती होती है बट वो अचानक से गुस्सा हो जाती है। वो खड़ी होती है और दहाड़ती है, आई एम द रीजेंट क्वीन, ये मत भूलो कि जब तक मेरा बेटा एडल्ट नहीं होता तब तक तुम सभी लोग मेरे लिए काम करते हो, इंक्लूडिंग यू हैंड ऑफ द किंग। लॉर्ड रॉजर आपकी सर्विस अभी मुझे पसंद नहीं आ रही, आप आज के आज आपके हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन को छोड़ के स्टॉर्म्स एंड के लिए निकल जाइए, आज से हमें आपकी जरूरत नहीं है। ये सब अपने ही बीवी की बातें सुन के रॉजर एकदम शॉक्ड होते हैं और वो एकदम चिल्लाते हैं, वुमन यू थिंक यू कैन डिसमिस मी, नो, ऐसा कहके रॉजर हंसने लगते हैं। बट तभी लॉर्ड कॉर्बरे सेवन किंग की वन ऑफ द बेस्ट तलवार लेडी फॉरलॉन को निकालते हैं और टेबल पे रखते हैं और उस लेडी फॉरलॉन तलवार को वो लॉर्ड रॉजर के तरफ करते हैं और कहते हैं, लॉर्ड रॉजर नो नहीं यस, आज ही आप यहां से निकल रहे हो। पूरा काउंसिल अचानक से लॉर्ड रॉजर के खिलाफ हो गया ये देख के रॉजर मीटिंग छोड़ के निकल जाते हैं और एलिसा अपने भाई मास्टर ऑफ शिप्स डेमन वोलेरियन को बोलती है, भैया आज से आप मेरे और जहेरिस के हैंड हो, टेक द टॉवर ऑफ हैंड। इस तरीके से एक बहुत ही भयानक स्मॉल काउंसिल मीटिंग होता है और इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। ऐसे ही फिर आगे वक्त निकला जाता है और फाइनली जहेरिस आयरन थ्रोन पे बैठने का टाइम आ जाता है, यानी कि जहेरिस का 16th बर्थडे वाज हियर। जहेरिस अपने 16th बर्थडे के दिन पर सुबह-सुबह एलिसन को किस करके किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाता है, बट एलिसन ड्रैगन स्टोन पे ही रुकती है क्योंकि अभी भी उनके शादी की खबर वो सबको बता नहीं सकते। उस दिन सुबह-सुबह किंग्स लैंडिंग में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि उनका नया राजा आयरन थ्रोन पे बैठने वाला था। पूरा किंग्स लैंडिंग हजारों लोगों से खचाखच भरा था और उन्हें इंतजार था उनके नए राजा का। कुछ ही टाइम में किंग्स लैंडिंग की बड़ी बड़ी बेल्स बजने लगती है और जहेरिस वर्मीथोर पे बैठ के किंग्स लैंडिंग में आता है। वो जानबूझ के अपने भयानक ड्रैगन को थोड़ा नीचे से उड़ाता है ताकि सभी स्मॉल फोक उसके वर्मीथोर को अच्छे से देख पाए। ऐसे करके जहेरिस सबको एक्साइट तो करता ही है बट वो सभी को एक थोड़ा सा खौफ भी दिखाता है। कुछ आधे घंटे तक किंग्स लैंडिंग का चक्कर काटने के बाद में जहेरिस रेड कीप के बगीचे में वर्मीथोर को उतारता है और हमेशा के तरह वर्मीथोर के टेल पे से स्लाइड मार के एकदम स्वैग में जंप मार के वो स्मॉल काउंसिल के सामने आता है। वो सभी काउंसिल मेंबर्स को पहली बात बोलता है, My lords, we have work to do. उस समय रीजेंट क्वीन एलिसा वहां पे नहीं होती। एक्चुअली अभी एलिसा रीजेंट क्वीन नहीं रही, वो अभी डूवेजर क्वीन बन गई है, यानी कि वो अभी सिर्फ राजमाता बन गई है। एलिसा अपने कमरे में सैड होती है क्योंकि उसे जहेरिस और एलिसन को लोग कैसे अपनाएंगे इसका बहुत टेंशन होता है और वो अपने हस्बैंड रॉजर को भी बहुत मिस करती होती है। रॉजर को दरबार से निकालने के बाद में अगले 4 महीने एलिसा बेचारी
बड़ी अकेली हो गई होती है। किंग्स लैंडिंग में आते ही 16 साल का जहरिस एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने लगता है। सालों से राज कारोबार कैसे करना है उसकी जहरिस ने अच्छे से पढ़ाई की थी। अब उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया था। जहरिस अपने सबसे पहले काउंसिल मीटिंग में आता है और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस वो करता है। सबसे पहले तो वो लॉर्ड मैनफ्रेड रेडविन को मास्टर ऑफ शिप्स बनाता है। फिर जहरिस लॉर्ड प्रेंटिस टली को मास्टर ऑफ लॉर्ड्स के टाइटल से हटाता है क्योंकि वो खुद ही रिवर रन को लौटना चाहते थे। उनके जगह पे लॉर्ड ऑफ स्टोन डांस एल्बिन मैसी को मास्टर ऑफ लॉर्ड्स बनाया जाता है। अब तक जहरिस ने प्यार भरे अंदाज में लॉर्ड्स को उनके टाइटल से हटाया, बट जब रॉयल सेप्टन मथियस की पारी आती है तब उसका आवाज चढ़ जाता है और वो एकदम स्ट्रिक्ट भाषा में उनको हटाता है। आपको तो याद ही होगा कि कैसे इस सेप्टन मथियस ने जहरिस के खिलाफ बहुत नौटंकी की थी। जाते जाते भी मथियस ने कहा कि वो जहरिस और एलिसन के रिश्ते के बारे में सभी को बता देगा और ऐसे अबोमिनेशन वाले रिश्ते को वो होने नहीं देगा। जहरिस वो सुन के हंस देता है और बोलता है जाओ जाओ, आपको जो करना है करो। उनके जाने के बाद में जहरिस अनाउंस करता है कि सेप्टन ऑस्विक और सेप्टा इजाबेल को किंग्स लैंडिंग लाया जाएगा और इन दोनों के साथ साथ और एक सेप्टन को किंग्स लैंडिंग में बुलाया जाएगा। ये था जहरिस का पुराना दोस्त सेप्टन बार्थ। इसके बाद लॉर्ड एडवेल सेंटियर की पारी थी, जिन्हें जहरिस ने कहा, लॉर्ड एडवेल आपकी बेटियां प्रेंटिस और प्रुनेला ने एलिसन का अच्छे से ख्याल रखा। वो दोनों प्रिंसेस एलिसन की फेवरेट है और वो उसकी हमेशा लेडीज इन वेटिंग रहेगी। बट सर एडवेल, मैं आपके काम से बिल्कुल खुश नहीं हूं और आप आज ही क्लॉ आइलैंड पे वापस चले जाइए। आपके वजह से एसोस से किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह पे आने वाले जहाज कम हो गए हैं। सभी ट्रेड्स और बड़े बिजनेसेस अभी रुक्स रेस्ट और डस्कंडेल के बंदरगाह पे जा रहे हैं। मैं जानता कि आयरन थ्रोन के तिजोरी में पैसे आए इसीलिए आपने स्मॉल फोक के टैक्सेस बढ़ा दिए, बट हमारे नजर में वो बहुत ही गलत डिसीजंस थे। अंकल डेमोन, हम इसी हफ्ते एक-एक करके सभी सेल्टिगार टैक्सेस को हटा देंगे। हैंड ऑफ द किंग डेमोन वेलेरियन कहते हैं एज यू से योर ग्रेस। इसी के साथ साथ ये काउंसिल मीटिंग खत्म होती है और बस 3 दिनों में सभी सेल्टिगार टैक्सेस को हटाया जाता है। मास्टर ऑफ कॉइन एडवेल सेल्टिगार के जाने के बाद में कुछ ही दिनों में किंग्स लैंडिंग में एक नया मास्टर ऑफ कॉइन आता है। ये कोई वेस्टेरोसी लॉर्ड या फिर नाइट नहीं होता, ये था पेंटोस से आया हुआ रेगो ड्राज। ये रेगो वैसे तो बस एक नॉर्मल सा मर्चेंट ट्रेडर था, यानी कि एक व्यापारी था, बट वो एकदम गरीबी में से उभर के आया था और वो पेंटोस का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गया था। उसे पैसा कैसे कमाना है ये आता था और आयरन थ्रोन को ऐसे ही एक बंदे की जरूरत थी। रेगो इतना रिच और पावरफुल होके भी पेंटोस में उसे ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी क्योंकि वो एक निचले जाति का बंदा था। रेगो इस बात से बहुत सैड होता कि पेंटोस के मैजिस्टर्स के अपर क्लास में उसे बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती थी और इसीलिए जब साक्षात वेस्टेरोस के राजा ने उसे बुलाया तब उसने खुशी खुशी किंग्स लैंडिंग में आने के लिए हाँ कह दिया। ये रेगो एक बहुत ही कलरफुल और बहुत ही फनी बंदा था। किंग्स लैंडिंग में राजा के स्मॉल काउंसिल में होना मतलब बंदा लॉर्ड होना चाहिए, इसीलिए जहरिस उसे लॉर्ड घोषित कर देता है। बट रेगो के पास वेस्टेरोस में ना कोई जमीन होती है ना ही उसके पास कोई कैसल होता है, तो वो काहे का लॉर्ड। जहरिस भी सोचता है कि मैं इस रेगो ड्राज को कहां का लॉर्ड बनाऊं, इसे मैं कौन से रीजन की लैंड दूं और उसे मैं कौन सा कैसल दूं। अब ये लॉर्ड है तो आखिर किस चीज का लॉर्ड है? तो यहां पर रेगो ड्राज हंस के बोलता है, कोई नहीं माय किंग, डोंट वरी, लैंड नहीं है तो क्या हुआ, मैं लॉर्ड ऑफ एयर बनूंगा। उसके ऐसे कहते ही सभी लॉर्ड्स और जहरिस हंसने लगते हैं। फिर रेगो आगे बोलता है, योर ग्रेस, मैं लॉर्ड ऑफ एयर तो बनूंगा बट क्या मैं एयर पे कोई टैक्स लगा दूं? ये सुन के तो मीटिंग में सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सही में ये रेगो मतलब एक बहुत ही फनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है।
अब जहरीस का नया पावरफुल काउंसिल रेडी हो गया था और बस एक हफ्ते में ही उनका राज बहुत स्मूथली चालू होता है। बस दो बड़े प्रॉब्लम जहरीस के सामने होते हैं। पहला था एलिसन के बारे में सभी स्मॉल फोक को कैसे बताएं, टारगेरियन भाई बहन के ऐसे हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते को पूरा वेस्टेरोस कैसे अपनाएगा, और जहरीस के सामने दूसरा सवाल था कि वो अपने माँ एलिसा के चेहरे पे हंसी कैसे लाएगा। सो ये सब हम जानेंगे अगले चैप्टर में। Until then, bye and take care.